हेलो गाइस, मैं अफजल आपका भाई आपके साथ में। वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपकी दुआ से मैं भी बहुत अच्छा हूँ। 10 दिनों से ब्लॉग नहीं आ रहा था क्योंकि जहानाबाद में बहुत ज्यादा ठंड गिर रही है, इसकी वजह से ब्लॉग शूट नहीं हो पा रहा, हम लोग कहीं ट्रैवल नहीं कर पा रहे। तो आज आप पहुंचे हैं जहानाबाद के रेलवे स्टेशन। तो चलिए आपको हम दिखलाते हैं जहानाबाद के शहर का और रेलवे स्टेशन का क्या हालत है, और वो भी आपको दिखलाने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से यहाँ पे फॉग गिरा, धीरे धीरे टेम्परेचर भी यहाँ गिर रहा। तो चलिए, भाई को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो फटाफट फॉलो कर ले। चलिए वीडियो करते हैं शुरू। देख सकते हैं यहाँ पे कि किस तरीके से यहाँ पे फॉग आ चुकी है, और दिन के 8 से 9 बज रहे हैं, फिर भी देख सकते हैं कि कैसी तरीके का मौसम यहाँ पे आ गया। और इधर देखा जाए तो 2 से 3 दिनों में यहाँ पे टेम्परेचर जो है डाउन हो रहा है धीरे धीरे करके। 10 टेम्परेचर था पहले, फिर उसके बाद 7 आया, आज 5 टेम्परेचर है जहानाबाद का। तो देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे ठंडी बढ़ रही है, और जिला प्रशासन भी अहम रोल निभा रही है इसमें, क्योंकि गरीबों के बीच में कंबल भी बांटा जा रहा और अलाव का भी व्यवस्था की जा रही है जिला प्रशासन के द्वारा। तो ये अपने आप में देखा जाए तो जो आदमी अगर जरूरी काम है वो ही निकले, ऐसे मत निकले घरों से, क्योंकि यहाँ पे शीतलहरी का लहर बहुत ज्यादा चल रहा, तो इसलिए बहुत ज्यादा। फिलहाल अभी हम लोग स्टेशन पे पहुंच चुके हैं जहानाबाद स्टेशन, उसका भी आपको व्यू दिखलाने की कोशिश कर रहे हैं कि देख। चलिए आपको स्टेशन के अंदर भी लेके चलते हैं, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे स्टेशन पे भी कुहा है और बहुत ज्यादा फॉग है यहाँ पे, और देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे लोग हैं। यहाँ पे अपना नेशनल फ्लैग भी सही से दिख नहीं पा रहा, देख सकते हैं कि कोहरा कितना ज्यादा है यहाँ पे। देख सकते हैं कि हमारे पास ही में जहानाबाद स्टेशन है और ये सही से दिख नहीं पा रहा, इतना ज्यादा यहाँ पे फॉग है और बहुत ज्यादा है, देख सकते हैं आप। देख सकते हैं 8:30 हो चुका, और यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे कुहा है और लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं और अपनी ट्रेन का इंतजार भी कर रहे हैं। तो चलिए आपको स्टेशन परिषद भी आपको दिखलाते हैं, प्लेटफॉर्म पे भी आपको लेकर चलते हैं। देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे फॉग पूरा है और कुछ दिख नहीं रहा, और लोग आ रहे हैं और पटना गया जाने के लिए लोग यहाँ पे आ चुके हैं। देख सकते हैं कि किस तरीके से है। देख सकते हैं कि फुट ब्रिज भी आपको सही से नहीं दिख रहा, इतना ज्यादा यहाँ पे कुहा है। और रही बात ट्रैवल करने की, तो इसलिए हम लोग ट्रैवल नहीं कर रहे कि बहुत ज्यादा ठंड है, और जैसे ही ठंड कम होगी वैसे ही आपको जहानाबाद से बाहर का विजुअल भी आपको दिखलाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए यार, जहानाबाद स्टेशन से बाहर निकलते हैं, अब शहर का रुख करते हैं और बहुत ही अच्छा लगेगा। जहां तक हो सकता है हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि बढ़िया से बढ़िया आपको ब्लॉग दे पाए, ऐसे भी आप बराबर वाला ब्लॉग में बहुत प्यार दे रहे हैं, और जहां तक हो सके वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और फ्रेंड सर्कल और फैमिली मेंबर में जरूर शेयर करें कि ठीक है ब्लॉग है। तो ये भी देखने की जरूरत है कि कैसे जहानाबाद में सर्दी गिर रही है। तो चलिए आपको दिखलाते हैं। अब हम लोग जहानाबाद रेलवे स्टेशन से बाहर निकल रहे हैं और वहां का भी विजुअल दिखलाएंगे, जो शहर का विजुअल है वो भी आपको दिखलाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी फिलहाल जहानाबाद स्टेशन से निकल रहे हैं। अब हम लोग आ पहुंचे हैं जहानाबाद के पीजी लाइन में, यानी कि पटना गया नेशनल हाईवे 83 पे, और देख सकते हैं यहाँ पे भी फॉग बहुत ही ज्यादा है, जिसको कोहरा भी बोला जाता है, फॉग भी बोल लेते हैं, तो ज्यादातर कोहरा ही यूज कर रहे या फॉग ही यूज कर रहे हैं, तो माइंड नहीं कीजिएगा। देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ही ज्यादा कुहा है, तो ये बहुत ही ठंड यहाँ पर गिर रही है। तो देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे विजुअल में भी साफ नहीं दिख पा रहा, तो देख सकते हैं आप कि कैसे यहाँ पे ठंड गिर रही है। और आपको और भी आगे की ओर लेके चलते हैं। देख सकते हैं गाड़ी भी बहुत ही धीरे धीरे चल रहा है और चारों लाइट जला के चल रहा है, इसलिए क्योंकि पीछे वाला गाड़ी को भी पता चले कि आगे कोई गाड़ी जा रहा है। We'll be right back.
प्राचीन देवी मंदिर पहुंच रहे हैं और देख सकते हैं कि किस तरीके से प्राचीन देवी मंदिर है, जिनको दर्शन करना कर लें। अभी फिलहाल हम लोग स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स के पास खड़े हैं और जिला प्रशासन भी बंद करने का निर्देश दे दिए हैं स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स को, क्योंकि यहाँ पे इतना ज्यादा सर्दी गिर रही है कि इसके लेके बंद कर दी गई है पार्क को भी, और बहुत ही ज्यादा यहाँ पे कड़कड़ाते हुए ठंडी गिर रही है, तो इसलिए बंद करने का आदेश दे दी गई है। तो चलिए और आपको आगे की ओर लेके चलते हैं। देख सकते हैं कि किस तरीके से स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में यानी कि पार्क में ताला लगा दी गई है, और देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर ताला लगाई गई है। तो चलिए और आगे की ओर लेके चलते हैं आपको। हम लोग फिलहाल हॉस्पिटल मोड़ पे आ चुके हैं और देख सकते हैं यहाँ पर का भी विजुअल आपको दिखलाने की कोशिश कर रहे हैं। ठंडे में कैसे यहाँ पे आग तापा जा रहा है वो भी आपको दिखलाने की कोशिश कर रहे हैं, और बहुत ही ज्यादा यहाँ पे ठंड पड़ रही है। टेम्परेचर की बात किया जाए तो टेम्परेचर यहाँ पे करीब 5 से 7 का टेम्परेचर है यहाँ पे, और बहुत ही ज्यादा है टेम्परेचर। तो देख सकते हैं कि किस तरीके से ठुठराते हुए सर्दी में आग का मजा सब ले रहे हैं। तो चलिए आगे की ओर वीडियो करते हैं। फिलहाल अरवल मोड़ तरफ हम लोग जा रहे हैं और देख सकते हैं अरवल मोड़ का भी विजुअल कैसा है यहाँ पर का। बहुत ज्यादा शीतलहरी हवा चल रहा है तो बहुत ही ज्यादा ठंड लग रही है यहाँ पे, और कैसे हम लोग वीडियो शूट कर रहे हैं वो हम ही लोग जान रहे हैं कि कड़कड़ाते हुए सर्दी में आप लोग को लिए वीडियो लेके आ रहे हैं, आप लोग प्यार दीजिएगा। और यहाँ पर लेबर लोग का बहुत ज्यादा है, और सामने महावीर मंदिर है जो अरवल मोड़ वाली मंदिर है आप देख सकते हैं, और ये अरवल मोड़ का गुलंबर है, और देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे है। अगर जिनको दर्शन करना है उनको दर्शन कर ले महावीर मंदिर का। आपका भाई यहीं पर छोड़े जाता है, अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर ले, चैनल पर फर्स्ट टाइम आए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन जरूर दबा ले, आने वाले नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल पाए। आपका भाई मिलता है नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। आप अपने घरों में रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।